आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में जो हमारे तीर्थस्थल है, उन तीर्थस्थलों को ठीक करने का काम हम लोगों ने वहां पर आसपास, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग भी, महाराष्ट्र में शक्तिपीठ भी अनेक यहाँ पर है, तो उन सभी को ठीक करने के लिए उसका मास्टर प्लान हम लोगों ने तैयार किया है। कुछ जगह का काम भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है और साथ साथ हमने अभी एक नई योजना तैयार की है कि जिस योजना में हम लोगों ने उसको, चूंकि अभी राजमाता अहिल्या देवी जी का 300वां वर्ष आने वाला है, इसी साल वो प्रारंभ होगा, और हम जानते हैं कि पूरे देश में हमारे हिंदुओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार अगर किसी ने किया तो वो राजमाता अहिल्या देवी जी ने किया, इसलिए उनके नाम से एक योजना हमने तैयार की है, जिस योजना के तहत हम लोगों ने महाराष्ट्र में 500 तीर्थस्थल जो है अलग अलग इनको चुना है, और आने वाले 3 सालों में ये 500 तीर्थस्थलों पर हम लोग सारी व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे ताकि उनका चेहरा, उनका हुलिया, वहां की व्यवस्थाएं ये सारी की सारी बदले, और किसी भी बड़े तीर्थस्थल पर तो लोग जाते हैं, वहां तो व्यवस्था हो जाती है, वो करने भी वाले, लेकिन हमारे हिंदू समाज में कई ऐसी जगह है जहां पर लोगों की श्रद्धा होती है, भले उसको अखिल भारतीय स्वरूप न हो लेकिन स्थानिक स्वरूप में उसको बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है, कई संप्रदायों के लोग वहां पर जाते हैं। ऐसे 500 तीर्थस्थलों को पूरे रूप से परिवर्तित करने के लिए इस योजना को हम लोग कार्यान्वित कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में महाराष्ट्र के जो सभी तीर्थ क्षेत्र है वो विशेष रूप से आपको सफाई की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से, आने वाले जो लोग हैं उनके सारे व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम लोग अच्छे करेंगे और आपको वो अच्छे दिखाई पड़ेंगे।